न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। आज पूरा देश जहां वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है, तो वहीं रेवाड़ी जिला में भी कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन जी जान से जुटा है और यह इसी का परिणाम कहें कि जिलाधीश यशेंद्र सिंह के एक मात्र एक आह्वान पर रेवाड़ी व धारबेड़ा शहर को बंद रखने के बाद पिछले दो दिनों के दौरान जिला में कोविड केसों में भारी कमी दर्ज की गई है, जो कि पिछले एक माह के मुकाबले मात्र एक तिहाई तक सिमट कर रह गए और दो दिन शहर को बंद रखने के अच्छे परिणाम देखने को मिले। इस पर जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने जिला वासियों को एक बार फिर अपील करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए हर कोई जिला प्रशासन का सहयोग करे और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क व सैनिटाइजर आदि नियमों की कड़ाई से पालना करे। इसी के साथ रोग प्रतिरोधक आयुर्वेदिक नुस्खों का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हम सब मिलकर कोरोना की जंग जीतने में कामयाब हो सके। जिलाधीश ने बताया कि रेवाड़ी कोरोना की टेस्टिंग के लिए बहुत जल्द लैब फैसिलिटी स्थापित की जा रही है और अगले सप्ताह तक यह लैब शुरू हो जाएगी, ताकि जिला के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। नोएडा की एमसी एरिया में किया गया था, उसके बाद से ना जो केसेस की संख्या है उसमें काफी कम केसेस हुए हैं, जो पहले से एक तिहाई केसेस ही अभी तक डिटेक्ट हुए हैं इतने दो पिछले तीन दिनों में, तो इसके तो अच्छे परिणाम आए हैं। और लोगों से तो मेरी अपील यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इस तरह की जो दूसरी प्रिकॉशंस हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग काढ़े या इस तरह के जो देसी नुस्खे हैं और अपना बचाव इस प्रकार से रखें, ताकि कोरोना के केसेस जिले में दोबारा कम हो। एक सर सुनने में आ रहा है, टेस्टिंग की जो लैब फैसिलिटी है वो रेवाड़ी में बहुत जल्दी एस्टेब्लिश की जाएगी, स्थापित की जा रही है, और ऐसा मेरा मानना है कि अगले सप्ताह से या इस सप्ताह के अंत में हमारी लैब यहाँ पे फंक्शनल हो जाएगी और टेस्टिंग हमारे जिले की सारी टेस्टिंग यहीं पे होगी।